पॉडकास्ट और टेक थिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा Redmi 9 और Redmi 9A। दोनों हाल में ये लॉन्च किया गया Xiaomi के द्वारा फ़ोन है और ये दोनों की जो डिमांड है काफ़ी है। और इसकी जो बात करें Redmi 9 की, तो इसकी 4GB 64GB की प्राइस है वो 9,000 रुपये है, और इसकी जो 2GB और 32GB की प्राइस है वो 6,799 रुपये हैं। और इसकी एक और वेरियंट आती है 3GB के, जिसके 7,499 रुपये प्राइस है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि दोनों में कौन सा मुझे लेना चाहिए, आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली अगर सिंपल माइंड से सोचे तो भाई जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी वो उसमें ज़्यादा आपको फीचर मिलेगी, जिसकी प्राइस थोड़ी कम होगी उसमें ऑब्वियसली कम फीचर मिलेंगे। जैसे इसकी बात करें 2GB की, तो इसमें मात्र आपको 2GB रैम मिलता, 32GB रोम मिलता, वहीं आपको ये 9000 वाले Redmi 9 में 4GB और 64GB की वेरिएंट मिलती है। और इसमें जो प्रोसेसर मिलती है, चलिए आप इसे अब मैं थोड़ी देर साइड करता हूँ और मैं अब दिखाता हूँ आपको यहाँ इस दोनों फ़ोन को साइड कर, ये देख सकते हैं यहाँ पर बैक टू बैक मैं ना। तो देखिए सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, दोनों में आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की 10 वॉट के चार्जर के साथ, जो कि इन द बॉक्स मिलती है। आपको जो Redmi 9A है इसमें सिंगल कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का, Redmi 9 में आपको मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा। स्क्रीन साइज भी दोनों में आपको सेम मिलेगी, 5.6 इंचेस की मिल जाएगी। और जहां तक प्रोसेसर की बात करें तो आपको Redmi 9A में थोड़ी लो प्रोसेसर मिलती है, Helio G25 मिलती है, वहीं Redmi 9 में आपको मिलती है G35। बाकी सब अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो इसके अलावा और क्या डिफरेंस है, तो इसमें आपको बिल्कुल मेमोरी और रैम स्लॉट ज़्यादा मिलता है दोनों में, ये एक खास अंतर है। तो अगर आप इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप फिंगरप्रिंट के कोई भी फ़ोन खोज रहे हो, वो भी Redmi के और 9 से 10 हज़ार के अंदर, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा Redmi 9। अगर आप बजट फ़ोन खोज रहे हो, काफ़ी कम प्राइस में खोज रहे हो और काफ़ी आप बेसिक काम कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ये सब अटेंड करना चाहते हो, थोड़ी मोड़ी म्यूजिक गाना भी सुनना चाहते हो, तो आप जा सकते हैं Redmi 9A के पीछे। तो बस यही खास डिफरेंस है। और ओवरऑल अगर फ़ोन को सामने से साइज बाय साइज देखा जाए तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको साइज मिलेगा, एज टू एज भी साइज जो है काफ़ी एकदम बराबर है। बस थोड़ी मोड़ी यहाँ पर आपको जैसे ईयरफोन भी देख सकते हो, दोनों के एक जगह ही है और नीचे भी बॉटम में भी आपको सेम डिज़ाइन मिलेगा। बस यहाँ पे जो आपको हार्डवेयर की जो अंतर है दोनों में डिफरेंस मिलेगी, इसमें मिल जाती है 4GB 64GB और इसमें 2GB 32GB। तो आशा करते हैं ये क्विक रिव्यू जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आप इसमें फ़ोन में ज़्यादा पैसा लगाओगे तो आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा और इसमें आप कम पैसा लगाओगे तो थोड़ी कम तो ऑप्शन मिलेगी। दोनों ही फ़ोन अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छा पैकेज Xiaomi के द्वारा निकाला गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्विक रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।